आप ये जो नक्शा देख रहे हैं, इस नक्शे में आज आपको एक नई चीज मिलेगी। नॉर्मल नॉर्थ इसके इधर है, ईस्ट इधर है, साउथ इधर है, और ईस्ट के सामने वाली दिशा वेस्ट हो जाती है। तो आप देख रहे हैं डायगोनल पर इनकी मेन एंट्रेंस है। हम आज इस नक्शे के अंदर इंटीरियर भी इसमें दिखाया गया है और इसमें रूम की स्थिति भी दिखाई गई है। बेड कहाँ पर है, अलमारी का रंग क्या है, आप देख रहे हैं। गैस भी यहाँ पर है, सिंक है, डाइनिंग टेबल है। तो हम आज इसमें देखते हैं इस घर में जो रह रहे हैं उनकी क्या स्थिति होगी, या हम उनके लिए आज कुछ अच्छा करेंगे। सबसे पहले आपको ज़रूरत है आपको दिशा जानने की। नॉर्मल क्या है कि चौकोर लगभग मकान है ये, फ्लैट या मकान भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक डायगोनल पर ये एंट्रेंस है, कोने में एंट्रेंस है इनकी, कह सकते हैं साउथ वेस्ट में, मोटी भाषा में। वो तो दिशा निकालने के बाद पता लगेगी कि कौन सी दिशा में एंट्रेंस है। तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पहले चार दिशा जानना। हम हमेशा दिशा क्या करते हैं, सभी कोने में लिख देते हैं, ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ। तो आपको एक चार दिशा, सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए आपको चार दिशा जाननी जरूरी है। वो ये है कि यहाँ से यहाँ तक की नॉर्थ दिशा है, यहाँ से यहाँ तक की साउथ दिशा है, यहाँ से यहाँ तक की पश्चिम की दिशा है, और यहाँ से यहाँ तक पूरब की दिशा ईस्ट है। तो हम इसमें चेक करते हैं कि हमारे को जो है ये घर क्या बोल रहा है। जब आज हम इस घर की जन्मपत्री बनाते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि हम जो कमियाँ हैं उसे पूरी करें। सबसे पहले ज़रूरी है आप घर के अंदर घुसें। घर के अंदर घुस के आपने सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है दिशा का जानना। दिशा हमारी कौन सी है, दिशा कितने डिग्री घूमी हुई है, हमें ये जानना ज़रूरी है। तो उसे जानने के लिए हमें कंपास चाहिए, दिशा सूचक यंत्र। आप कंपास नॉर्मल जब आपको नहीं पता लग रही है दिशा कहाँ पर है, मैं इस दिशा को क्या पकड़ के खड़ा हूँ, तो इसके लिए आपको ये दिशा पता है ये साउथ है, तो आप यहाँ ना खड़े होके यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ, दीवार के सीधे में खड़े हो जाइए और आप चेक कीजिए। उसके लिए आपको कंपास की ज़रूरत है। ये कंपास हम आपको कंपास, फिर वही वाली स्थिति, पहले भी आपने देखा होगा, आप ये कंपास लेके यहाँ पर इस वाले एंट्रेंस पर खड़े हो जाइए, या एंट्रेंस ना हो तो दीवार के सहारे लग के खड़े हो जाइए। यहाँ पर आसपास लोहे या मैग्नेटिक ना हो, इस चीज़ को देखते हुए आप चेक करें। तो आपने देखा अगर यहाँ पर जगह नहीं मिल रही तो आप एक दीवार के, साउथ की दीवार के सहारे लग के खड़े हो जाएं और सीध में
और कंपास से देखें। आज आपको हम कंपास देखना सिखाते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं सामने 360 डिग्री, अगर साउथ ठीक नॉर्थ साउथ जाता है, जैसे यहाँ नॉर्थ है ये दिशा, तो नॉर्थ में दिशा जो है ये जो आप देख रहे हैं ये हरी वाली सुई, इस लाइन से ये सेंटर लाइन से तीर कमान जो देख रहे हैं सीधा 360 के नीचे 180, तो ये जो है ईस्ट की तरफ घूम रही है। कितने डिग्री घूम रहा है? 10 और 5 15 डिग्री। सामने से भी आप चेक करें, अगर ये ठीक यहाँ आता नीचे हरा वाला निशान तो बिल्कुल 0 हो जाता, तो ये साउथ सामने आता, लेकिन साउथ जो है वेस्ट की तरफ को टिल्टेड हो गया है और ये लगभग 15 डिग्री के आसपास आपको दिखा रहा है। 15 डिग्री हम मानेंगे, 15 डिग्री साउथ पश्चिम की तरफ को घुमा हुआ है। कंपास का काम खत्म हो जाता है। अब हम कंपास को हटा देते हैं। अब आपको ज़रूरत है इस घर की 16 दिशाएं निकालने की, तो इसके लिए आपको ये पता लग गया, हम यहाँ लिख लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ 15 डिग्री ईस्ट की तरफ घुमा हुआ है, ये हमने यहाँ नोट कर दिया है। अब आपको ज़रूरत है इसमें 16 दिशाएं निकालने के लिए। 16 दिशाएं के लिए ज़रूरी है आपको डायरेक्शन चक्र की, जैसे अब आप इसमें देख रहे हैं, इस घर के अंदर हम घुसे, आपने चेक करा, घुस के एक बाथरूम इधर है, एक बाथरूम इधर है, ये बाथरूम के बराबर में बेडरूम है, यहाँ पर इस बेडरूम के अटैच बाथरूम दिया है इन्होंने, इसमें ब्लू कलर का इसमें बाथ टब लगा हुआ है। फिर हम इधर को आते हैं, तो ये ईस्ट में इन्होंने अपना सोफ़ा डाला हुआ है, ये डाइनिंग टेबल हो गई है, और इसमें हम देखते हैं यहाँ बेड के साथ फिर एक बाथरूम है, उसमें भी ब्लू कलर का बाथटब दिया गया है। इसके अंदर एक चीज़ और चेक करें आप, ये हिस्सा अगर आप देखते हैं तो यहाँ थोड़ा सा इन्होंने एक्स्ट्रा लिया है, इधर से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है, ये करके ऐसे आ गया, यहाँ से इधर करके ऐसे। तो हम क्या करेंगे, इसको चौकोर कर लेंगे सेंटर पॉइंट लेने के लिए, ऐसे सीधा करके यहाँ से, तो इसका फिर हम इसे चौकोर करके इसका सेंटर ऐसे इधर से हम इसे चौकोर करते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर हम इसका वही सेंटर पॉइंट निकालने तरीका, सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं हम, और डायरेक्शन चक्र की मदद से।